बात है, क्या एंट्री है? सीधा डाल दो। ये क्या था? तीसरी बार करना भी अच्छा नहीं। थैंक यू, तू जिंदा यहाँ पे पहुँचाने के लिए। भाई कहाँ गए थे घूमने ऐसे? भाई द्वारका से वापस आ रहे। हेलमेट लगा, हेलमेट लगा नहीं तो चला। मेरे बिलाल को चालान कटेगा। विद इन अ 2 सेकंड लास्ट फोटोज फोटोज कर रहे हैं। फोटोज फोटोज या यो उसके पीछे कर लो। आ जाओ, हो गया, बस बस चलो भाई। बाइक बाइक जमा कर, पहले ले ले, पहले बाइक जमा कर। आइए कृष्णा जी, आइए। अबे गाड़ी पे चले, उसमें चालू नहीं हुआ तेरा गाड़ी, हटारा गाड़ी थी। अबे उधर गाड़ी पे चले, हां वाह क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। इधर 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 पोस्टर पे, पोस्टर पे, पोस्टर पे आइए उससे पहले। अरे होने दो यार, इधर आ रहे हैं। हां भाई पीछे आ रहे यार। ए बिटल भाई पीछे बुलाओ यू भाई, थोड़ा इधर कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे दुपट्टा पसाना है ऐसे, वॉच में बता दो क्या? अरे अरे बोल रहा क्या? बोलना तेज डांस है, डांस है, डांस है। अरे वन डज नॉट डांस अपेरेंटली। भाई कृष्णा आल्सो डज नॉट डांस। अरे कहां जा रहा है? चाहता है कि डांस कर रहा है। पीछे पीछे आ जा जरा, थोड़ा ये पोस्टर का ऐसे पता थोड़ा आ गया ना। अरे उसको ये अरे ये हो गया। अगला ये बेसिकली देखो यार, पहले आप सब मैं ब्रीफ कर दूँ। हमारे शो में करेक्टर जो हैं वो थोड़ा ऐसे दिखने एक दूसरे का सहारा बन के दिखे, एक दूसरे का साथी बनते हैं। तो ये जो है ये हमारा ट्रेडमार्क कोर्स हो गया। अभी जो कोर्स हम करने वाले हैं ये गिरती रहती है, मैं संभालता रहता हूँ। गिर जा अरे पोज दे रहे ना, वो उसके लिए अच्छा वो इनके लिए क्या? एक सिंगल सिंगल अरे कर लो कर लो क्या लुक कृष्णा जी इधर आतापर्यंत काय करू होतो तुम्ही? आर्यमान मेरा नाम मी बोलते इतने हो यो है संदेश क्यों लो क्या वेट
को लव करते हैं। डन। सो फर्स्टली मेनी कंग्रेचुलेशंस, एक नया शो, नया कॉन्सेप्ट के साथ आ रहा है, सो व्हाट यू हैव टू से एक नए पेयर, फ्रेश पेयर। देखो यार, we've known each other for some time now, and but for the audience to see us together, जितना भी हो, हर बार एक नया पेयर जब आता है, फ्रेश पेयर आता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, नर्वसनेस रहती है, ऑडियंस को भी पता नहीं कि कैसे लगेंगे, हमको तो पता है क्योंकि हमने देखा है फुटेजेस, बट मोर इम्पोर्टेंटली पेयर के बारे में शायद हम लोग कम बात करके हम उस मुद्दे के बारे में बात करेंगे विच इज़ एट हैंड। द स्टोरी इट सेल्फ इज़ वेरी, वी ऑलवेज नोन दैट टेलीविजन इज़ नॉट बीन प्रोग्रेसिव इनफ, तो आज हम लोग पहली बार ऐसी कहानी ला रहे हैं जो बहुत प्रोग्रेसिव है। इट इज़ टू डील विद टुडेज़ प्रॉब्लम, इट इज़ टू डील विद लॉट ऑफ इशूज दैट पीपल आर फेसिंग बट नोबडी वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट, इट इज़ टू डील विद समथिंग दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड बट येट हैव अ कमेंट टू मेक ऑन इट। तो मुझे लगता है कि ये ज़रूरी था, एंड वी ब्रॉट फॉरवर्ड अ स्टोरी दैट कैन मूव पीपल्स माइंड सेट अबाउट समथिंग, and we're looking forward to show that. It's all with risks and gains, to be very honest. True. Yes. Show mein apne kirdaar ke bare mein thoda sa bataiye hame, kitna enjoy kar rahe hain is kirdaar ko. Through and through. Okay. So, Krishna jo hai, wo Mohan ke saarthi hai, and she is this responsible girl, दिल से बहुत ही अच्छी है, इतनी भोली है कि कभी कभार बहुत ज़्यादा बोल देती है, but then that does not mean that she is not mature, she is like very mature, घर में सबका ख्याल रखती है, पापा की भी ख्याल रखती है, she is very hard working, कमाती है अकेले, and then she has this side that she does not show her emotions इतना ज़्यादा, you know, because she all that she has in her mind is that she has to take care of her brother and उसे कुछ बनाना है, and there's this big secret that she does not know about her brother, which is like the of course important matter jo we were talking about. So aise hi story jaate hai, this is Krishna's character, she's a sweet girl of course, and so this is it if you talk about the character of Krishna. And when you got to know about the character, jo main jo reason hai, jo message jana chahiye, ki hum dekhte hai society mein इस तरह से ओपनली बात नहीं होती है, इस किरदार में बात हो रही है, इन लोगों का अभी से रिएक्शन आना चालू हो गया है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है अबाउट व्हाट यू सी ऑन अ डे बेसिस। हम लोग शायद 15 साल पहले की बात कर लूँ तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर सिंस देन सोशल मीडिया, इंटरनेट, लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हैज कम फॉरवर्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो उनमें से एक अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की है, एंड मोर देन डिस्कसिंग इट, आई थिंक जब आप किसी चीज़ को एक कहानी बनाकर दिखाते हो तो इंसान उससे ज़्यादा जुड़ पाता है। अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूँ तो कृष्णा या आर्यमन हो, दोनों का एट द एंड ऑफ द डे सिमिलैरिटी में बता सकता हूँ आपको कि दोनों अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी के साथ ही हैं, किसी न किसी के लिए अपनी ज़िंदगी का जितना भी ड्रीम है, जो सपने होते हैं, जो ख्वाब होते हैं, वो सब कुछ सैक्रिफाइस करके दे आर डूइंग व्हाट दे हैव टू डू फॉर देयर फैमिलीज। ब्लड इज़ थिकर देन वाटर, हम लोग सब इस बात को मानते हैं, और जब खून के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम होती है, हम एज पीपल फर्स्ट हमारे खून के लिए खड़े हो जाते हैं, कुछ भी हो जाए, वो चाहे वो अच्छे हों, बुरे हों, सही हो, गलत हों, लेकिन हम खड़े होकर उनका साथ देने की कोशिश करते हैं। बस इसी कहानी में हम वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आर्यमन जैसा कैरेक्टर है, उसने अपने सारे ख्वाब, म्यूजिशियन बनने का ख्वाब हो या फिर जो भी उसको बनना था, जो भी करना था उसको, वो सब छोड़ छाड़ कर वो अपनी फैमिली के लिए खड़ा हो रहा है। कृष्णा भी मोहन के लिए यही कर रही है। तो जब ये दो दुनिया मिलेंगे तब इस कहानी में क्या होगा, इट्स नॉट अ लव स्टोरी, इट्स मोर, मच मच मोर देन दैट, तो आपको वो देखने को मिलेगा, एंड यू शुड नो एंड वॉच दिस जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, इट्स अ स्ट्रांग स्टेप, एंड यू नो इट्स अ, इट हैज सो मेनी सेक्शंस टू इट, यू नो अनफोल्ड होना बाकी है, काफी सारे स्टोरीज एक ही स्टोरी के अंदर। हम खुद अपने किरदारों को सब समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी, बहुत सारे लेयर्स। यस, थैंक यू, इट्स लाइक कफिंग, सॉरी गाइस। ऑडियंस को ये भी है कि लाइक यू नो एक स्टोरी अच्छी चलते चलते
बता दोगे क्या ये सास बहू वाले ट्रैक पर आकर एंड होगी या ये थर्ड जेंडर वाली स्टोरी कंटिन्यू रहेगी? देखो मैं आपको एक चीज़, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसी से थोड़ा लाइट मैं डालना चाहूँगा कि जो हम कहते हैं ना सास बहू वाली जो कहानी है, टेलीविजन शोज व्हाट एवरीडे ड्रामा। अब आप सच सच बता दो कि आपके घरों में रोज के ड्रामे नहीं होते? Of course, that's what even I also... हम सबके घरों में होते वही है ना। हम सबके जिंदगी में जब प्यार आता है तो हम सबको वो चीजें फील होती हैं जो हमने टेलीविजन में दिखाई है। Right, ये सही है या गलत है बता पाए? ये सही है, पर हम उस चीज को सिर्फ टेलीविजन में और एनहेंस करके दिखाते हैं और ड्रामेटाइज करते हैं ताकि उस दिल तक पहुंचे हम। जब मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं किसी से अगर किसी के साथ जुड़ा हूँ तो हम दोनों एक ही साथ एक ही चीज बोलने लगते हैं, बराबर। थॉट कोई और चल रहा है लेकिन बोले साथ में है, ये हम करते हैं टेलीविजन में। हम गिरते हैं तो किसी और को संभालते हैं, पर ये अपना बहुत क्लिशे बना दिया है कि ये ड्रामेटाइज है टेलीविजन में, पर दिस इज नॉट व्हाट इट इज। सास बहू जनरली सास बहू का ड्रामा नहीं होता, घर में हर किसी की कलेश होती है, बस उसको चीज़ों को ड्रामेटाइज करके हम दिखाते हैं। अब हम अगर हम एवरीडे ड्रामा दिखा रहे हैं तो उस एवरीडे ड्रामा में हमें वो घरेलू चीज़ें भी दिखानी पड़ती हैं जो एक्चुअली होती हैं, तो दैट इज़ व्हाट वी शो ऑन टेलीविजन। एंड आई थिंक दिस शो हैज़ लॉट मोर टू इट देन जस्ट दैट। रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं, फिर जब आर्यमन की अगर घर की बात करूँ मैं आपको, उसका खून का रिश्ता नहीं है पर फिर भी वो अपनी फैमिली को मान के चलता है। वो लोग दो फैमिलीज को जोड़ के एक साथ चलने की कोशिश करता है, तो दिस इज हाउ इट इज एंड दिस शो लाइक फैमिली इन रियल सबको लेके चलने की कोशिश करता है। सो स्वीट, बट या, तो दैट्स हाउ दिस स्टोरी इज। एंड जो आपने बोला वो भी सही है, पर मैं उसके बारे में बात नहीं इसलिए करना चाहता कि तुम पर वो रिएक्ट कर। लास्ट क्वेश्चन है भाई, नाम तो बहुत ज्यादा सुना था मैंने, कहानी सुनी थी मैंने पहले कहानी सुनी थी तेरे बारे में। नहीं, मुझे एक्चुअली जब मुझे भी पता चला कृष्णा मोहिनी है आई वाज लाइक रियली सैटिस्फाइड विद द नेम बिकॉज बहुत ही अच्छा सुनने को भी आ रहा था, बट देन यू नो ऑडियंस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए सबको माइथु ही लग रहा था, जैसे आपने कहा तो सब काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे माइथु शो है क्या, फिर जब उन्हें पता चला कि आई एम कृष्णा फिर दे वर लाइक कि क्या हो सकती है स्टोरीज एंड यू नो बिकॉज कृष्णा का भी एक अवतार है यू नो एज मोहिनी एंड वो भी काफ़ी यू नो पीपल एक्चुअली लव्ड। सो यू नो काफ़ी सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं से मैच हो रही है, यू नो मैच हो रहा है इन लाइक माइथो एंड स्टफ, बट देन नथिंग लाइक इट, इट्स लाइक अ वेरी बोल्ड टॉपिक जो हम भगवान को भी देखते हुए आ रहे हैं, तो व्हाई नॉट इन रियल एंड व्हाई डोंट पीपल टॉक अबाउट इट एंड जस्ट एक्सेप्ट इट, आई मीन कम ऑन डूड बी हैप्पी लिव एंड लेट लिव। सो या ये सवाल का जवाब मैंने पहले दिया था मैंने कहा कि मेरे नाम बाद में सुना था पहले कहा मैं मुझे पता भी था कि अच्छा साथ लेके इसके लिए तो मैं भी जानना चाहूंगी यार। बहुत सारे इंटरव्यूज में वही कहा मैंने, कहा पहली बात तो वेरी सॉफ्ट स्पोकन वेरी स्वीट डार्लिंग ऑफ अ पर्सन एंड थोड़ा ज्यादा सोचती है थोड़ा ज्यादा सोचती है पर उसका वो एट्रीब्यूट है। At the end of the day, I think just complimenting each other in the scene is very important. Yes. And talking about the scene before the scene is done. And we've done that until now. Yeah. And look, I think compatibility bhi achhi hai. We share a good screen space. Chemistry achhi hai. And she's a lovely singer. Agar aap interviews mein isko gaane ke liye bol doge to mujhe to maza aa jayega. Ye itni pyari singer hai na ki main din bhar baith ke iski awaaz gaate hue sun sakta hu usko. वो मेरे दिल के ताले की चाबी है। ये दिस अ पेटेंट थिंग। नहीं, मैं तुम्हारा को पूछा ना आपने, सॉरी मेरी नहीं। कृष्णा को पूछो तो बताओ ये जवाब में। चलो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। बता तो दिया मैंने, जवाब दे दिया आपको। वो कृष्णा के लिए कृष्णा की चाबी है जो आर्यमन के दिल के दिल के ताले की चाबी है। देवात्मा जी एक एक गाना एक गाना प्लीज शो के लिए। आई हो कहां से गोरी क्यों मुकार लेके यार, वो जो तू गाता रहता है वही गा दो क्या? कौन सा
ये पर दैट इज अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट वाला गाना जो तू गा जो भी गाना लगे अच्छा गा इश्क मचा हुआ आई डोंट नो व्हाट इज आस्किंग इट्स लाइक अ बॉलीवुड सॉन्ग ऑफ कोर्स सो इट्स बियॉन्ड एनीथिंग बट इसने मतलब ये इतना सुनता रहता है वो गाना कि एंड गुनगुन करता रहता है द एंटायर टाइम कि अभी यू नो आई आल्सो स्टार्टेड लिसनिंग टू दैट सॉन्ग and then I mean of course that's a beautiful song rajesh ke chehre qurban kin mirz vide gaye jaan ye khel bada badnaam re jhoothe khwab dikhave toote kaanch ke tukdo pe mohishq nachave sine sari raat dard jagave ek pal chain na aave क्या बात क्या बात थैंक यू सिंगर ये बढ़िया है लेकिन गाना गाता रहता हूँ चलो थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच